अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी दोस्तों क्या हाल चाल हैं कैसे हैं सब ठीक हैं फिट हैं जी आज की छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ ये है अवर के रिलेटेड ठीक है मेरे सामने आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे अववर खुला हुआ भी है ठीक है कुछ दोस्तों ने सवाल किए थे कि विज़िबिलिटी जो है आपके अकाउंट की वो पब्लिक और लॉकड लॉक्स जो हो जाती है या आप कह लेते हैं प्राइवेट हो जाती है तो उसका क्या इशू होता है क्यों होता है क्या चीज़ें होती हैं उसका थोड़ा सा ये है कि आपकी अपर की प्रोफाइल जो है ये पब्लिक रहती है तब तक जब आप कुछ उस पर अर्निंग कर रहे हैं ठीक है अगर आप कुछ स्पेसिफिक टाइम होता है अगर आप उस टाइम तक के लिए अर्निंग नहीं करते आपके पास कोई ऑर्डर नहीं आता ना आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट चालू नहीं है चल नहीं रहा है दान ये आपको आपकी प्रोफाइल को कर देते हैं जो है ना प्राइवेट कर देते हैं लॉकड प्राइवेट लिखा हुआ आ जाता है जैसे ये मेरी प्रोफाइल है सामने आपकी खुली हुई है अगर यहाँ पर मैं तो कहता हूँ ये पब्लिक पे है तो ये पब्लिक ही है इसको मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ अपवर्क यूज़र्स ऑनली मैं उनके लिए कर सकता हूँ सेट कि ओनली लॉग्ड इन अपवर्क यूजर्स विल सी यूर प्रोफाइल वही लोग देख सकेंगे जो अपनी आ, अपवर्क की आई डी के साथ जो लॉग्डिन है जिन्होंने लॉग इन किया हुआ है साइन इन किया हुआ है ठीक है नीचे आ जाता है प्राइवेट अगर मैंने प्राइवेट करनी है यूरो प्रोफाइल विल नॉट अपेयर इन सर्च रिज़ल्ट ऑन अपवर्क और सर्च इंजनस सर्च इंजनस जो हैं उनमें और जो अपवर्क के सर्च रिज़ल्ट हैं उनमें मेरी आई डी शो नहीं होगी अगर मैं प्रोवेट प्राइवेट कर देता हूँ इट विल नॉट बी विजिबल वाई आई डायरेक्ट लिंक फॉर नॉन अवर यूज़र्स जो अवर के यूज़र नहीं हैं जिनकी आईडी नहीं बनी उन्होंने लॉगिन नहीं किया हुआ अगर उनके पास मेरा डायरेक्ट लिंक है प्रोफाइल का तब भी उनको जो है ये शो नहीं होगी अवर यूज़र्स हु हैव अ डायरेक्ट लिंक टू यूअर प्रोफाइल विल सी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन जिनके पास मेरा डायरेक्ट लिंक होगा प्रोफाइल का और वो अपवर्क यूज़र्स होंगे वो साइन इन उन्होंने किया हुआ होगा अगर उनके पास है तो वो उनको मेरी प्रोफाइल नजर आएगी लेकिन लिमिटेड इंफॉमेशन के साथ आएगी ओवरऑल मेरी पूरी प्रोफाइल उनको शो नहीं होगी क्लाइंट्स यू हैव वर्क विद यू विद और सबमिटेड अ प्रपोजल टू विद सी योर फुल प्रोफाइल वो क्लाइंट्स जिनके साथ हम पहले काम कर चुके हैं या हमारे पास कनेक्ट्स तो पड़े थे हमने प्रपोजल सबमिट किया हुआ है वो मेरी सिर्फ जो पूरी प्रोफाइल है वो देख सकेंगे ठीक है लेकिन ये तो हमने नहीं ना करना हमने तो भाई पब्लिक पर रखना है ठीक है मेरी प्रोफाइल पब्लिक है मेरे पास एक और आ, किसी की प्रोफाइल है मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या है लॉग्ड प्राइवेट ठीक है इस लॉग्ड प्राइवेट क्यों है ये आपको मैं दिखा रहा हूँ ये उन्होंने लिखा हुआ है प्रोफाइल विजिबिलिटी बिकॉज यू हैवेंट अर्न मनी ऑन अवर्क इन अ वाइल वी सेट योर प्रोफाइल टू प्राइवेट ठीक है उन्होंने कहा आपने कुछ अर्से तक के लिए अपवर्क पर कोई कमाई नहीं की ठीक है इसलिए हमने आपकी प्रोफाइल को प्राइवेट सेट कर दिया ठीक है इफ़ यू वॉन्ट टू स्विच योर प्रोफाइल बैक टू पब्लिक इधर स्टार्ट अर्निंग अगैन अगर आप इसको दोबारा से अपना पब्लिक करना चाह रहे हैं या स्टार्ट अर्निंग स्टार्ट दोबारा से करना चाह रहे हैं साइन अप फॉर अ फ्रीलांसर प्लस मेम्बरशिप और कॉन्टैक्ट कस्टमर सपोर्ट अब इसके चलाने का तरीक़े का क्या होगा कि फ्रीलांसर प्लस मेंबरशिप जो है ठीक है वो प्लस मेंबरशिप क्या होती है भाई पैसे देने पड़ते हैं इनको पैसे दे के फिर हम वो प्रोफाइल अपनी जो है उसको दोबारा से पब्लिक करवा सकते हैं या हम कस्टमर सपोर्ट से रबता करेंगे उनको रिक्वेस्ट करेंगे उनको ईमेल मेल करेंगे एडसेट्रा एडसेट्रा जैसे भी उन सब रबा करें यहाँ हमारे पास ऑप्शन है तो मे बी वो जो है हमारी प्रोफाइल को जो है हमारा अगर एक्सक्यूज़ उनके मानने में आ रहा है जब हम एक्सक्यूज़ पेश कर रहे हैं कि जी हमें ये मसला था इस वजह से को हम जो है यूज़ नहीं कर सके इसको तो आप काइंडली इसको जो है दोबारा से पब्लिक कर दें तो मे बी वो आपकी प्रोफाइल पब्लिक भी कर दें ज़्यादा उम्मीद नहीं होती वैसे तो आपको फ्रीडानसर प्लस जो है प्लान वो ही परचेज़ करना पड़ जाता है अक्सर या दूसरी चीज़ आप वो ना परचेज़ करें आपके पास क्या ऑप्शन है ऑप्शन आपके पास है कि अगर आपके पास कनेक्ट्स मौजूद हैं यहाँ पे इस पर थर्टी नाइन अवेलेबल कनेक्ट्स हैं ठीक है यहाँ पे हम क्या करेंगे हम अच्छी से अच्छी जो है जॉब पोस्ट वो सर्च करेंगे जो हमारे बिल्कुल क्राइटेरिया पे आएगी ठीक है उसके ऊपर हम सबमिट करेंगे प्रपोज़ल ठीक है अब प्रपोज़ल जो सबमिट करेंगे उसकी उसका कवर लेटर जो है ना वो बिल्कुल प्रोफेशनल वे में होना चाहिए अच्छे तरीके से हो ठीक है ताकि क्लाइंट उसको देखे तो देखते वो क्या यार इस बंदे से तो रब्ता करना चाहिए जब वो आपसे बात करे अगर आपका इंटरव्यू करता है इंटरव्यू होगा ना जब आपसे मैसेज पे बात होगी यहाँ इनके मैसेजेस में देन आपका बात करने का ये हो आपका लहजा यानी कि कन्वर्सेशन जो होगी वो तरीक़ेकार अच्छा हो प्रोफेशनल वे में उससे बात करें उसको सही तरीके से समझा सकें कि हमारे पास स्किल्स क्या हैं और उसकी बात को समझ के सही तरीके से उसका हम जवाब दे सकें जब ये चीज़ें होंगी अगर आपको क्लाइंट मिल जाता है तो आपकी जैसे ही, तो ही, तो तो ही अर्निंग स्टार्ट होगी मीन्स आपका कॉन्ट्रैक्ट uh, हो गया आपके अकाउंट में पैसे आने शुरू हो गए यहाँ पे अपवर्क में लाजमी नहीं कि आपने विदड्रा कराया तभी होगी पब्लिक ठीक है नो इशू यहाँ पे जब आपके अकाउंट में एक वीक गुज़र गया अगर आर्ली रेट पे हुआ तो क्योंकि उसका एक वीक का होता ना जब वो गुजर जाएगा देन उसके बाद आप जो है आपकी प्रोफाइल ऑटोमेटिक ही वो पब्लिक कर देगी अपवर्क वाले ठीक है ना ये एक दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि यार ये क्यों हो जाती है इसका क्या वजह क्या होती है तो ये खासकर उन दोस्तों के लिए है या व्हाट्सएप पर उन्होंने मुझे मैसेज किया था तो आप लोग एक और काम कीजिएगा कि जब भी कोई सवाल होता आप कमेंट में मुझसे लाजमी पूछिएगा मैं इसके बारे में बना रहा हूँ एक वीडियो सीरीज़ होगी इंशाल्लाह जो है ना क्वेश्चन एंड आंसर्स की जो क्वेश्चंस आप लोग मुझसे पूछेंगे कमेंट्स में होंगे या व्हाट्सएप पे होंगे मैं उनको लिस्ट बनाया करूँगा और हफ्ते में एक दफ़ा या दो दफ़ा या महीने में एक दो दफ़ा मैं लाजमी उन क्वेश्चन पर जो है वीडियोज़ लाजमी बनाऊँगा उनके आंसर्स देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा जितना नॉलेज मेरे पास है ठीक है जितना मैं कर सकूँगा इन वो मैं आपको लाजमी पूरे पूरे उनके जो हैं आंसर्स वो प्रोवाइड लाजमी करूँगा ठीक है ना तो सवाल पूछते रहें वीडियोस देखते रहें चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़